सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों अगर आप यूज करते हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप डिवाइस तो आपको हार्ड डिस्क पार्टीशन के बारे में जरूर पता होगा कि ये क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क पार्टीशन को कैसे डिलीट करते हैं और उसके बाद यही डिलीट पार्टीशन को आप किसी दूसरे पार्टीशन में कैसे ऐड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्स्ट्रा पार्टीशन को कैसे डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद यही पार्टीशन को जो डिलीट किया है आपने उसे कैसे दूसरे पार्टीशन में ऐड कर सकते हो, यानी मर्ज कर सकते हो, और उसके बाद आप किसी भी पार्टीशन के वॉल्यूम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के अंचल में। दोस्तों कई बार हम अपने सिस्टम में कुछ ज्यादा ही पार्टीशन बना देते हैं जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में कुछ पार्टीशन ऐसे रह जाते हैं जिनका हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते, यानी एक्स्ट्रा पार्टीशन बन जाता है। या फिर दोस्तों कई बार एक्स्ट्रा पार्टीशन बनाने की वजह से हमारे जरूरी पार्टीशन यानी जरूरी ड्राइव में कई बार स्टोरेज कम पड़ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम इसके स्टोरेज साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कैसे आप किसी भी एक्स्ट्रा पार्टीशन को कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद आप इस डिलीट पार्टीशन को कैसे ऐड कर सकते हैं दूसरे पार्टीशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्स्ट्रा पार्टीशन पड़ा हुआ है जिसका नाम है मनोज सारू और ड्राइव का लेटर है H। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा पार्टीशन है। तो मैं आपको इस पार्टीशन को डिलीट करके दिखाऊंगा और इस पार्टीशन को मैं किसी दूसरे पार्टीशन में मर्ज करके दिखाऊंगा, यानी ऐड करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है। तो चलिए हम माई कंप्यूटर पर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे राइट क्लिक करा और उसके बाद आपको सिंपली मैनेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कंप्यूटर मैनेजमेंट का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्टीशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप चाहे तो यहाँ से पार्टीशन भी कर सकते हैं। अगर आपको पार्टीशन करना नहीं आता कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर सकते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के हार्ड डिस्क में पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्स्ट्रा पार्टीशन पड़ा हुआ है जिसका नाम है मनोज सारू। ये पार्टीशन मैंने बेसिकली माई ड्राइव से क्रिएट करा है। तो मैं इस पार्टीशन को सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो इस पार्टीशन को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर सिंपली क्लिक करके आपको यस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पार्टीशन है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये अनअलोकेटेड दिखाएगा, लेकिन ये पार्टीशन पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको ये पार्टीशन को ऐड करके दिखाऊंगा इस पार्टीशन में। ध्यान रहे आपने जिस पार्टीशन को जिस किसी भी पार्टीशन से क्रिएट करा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक माई ड्राइव है, मैंने इस पार्टीशन में से इस पार्टीशन को क्रिएट करा है, तो ऐसे में आप इस अनलोकेटेड यानी डिलीट पार्टीशन को सिर्फ इसी पार्टीशन में ऐड कर सकते हो और किसी दूसरे पार्टीशन में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं किसी दूसरे पार्टीशन में फॉर एग्जाम्पल मैं सी ड्राइव में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके तो यहाँ पर भी आपको एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसी ड्राइव से ये पार्टीशन क्रिएट करा है। तो ऐसे में आप ये पार्टीशन को सिर्फ इसी ड्राइव के अंदर ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम इसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसे ऐड करा और उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैंने एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करा। तो जैसे आप एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद नेक्स्ट पे करना है और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका साइज इंक्रीज हो गया, यानी जो भी डिलीटेड पार्टीशन था वो इस पार्टीशन के अंदर ऐड हो गया। अगर आपको सी ड्राइव के अंदर पार्टीशन को ऐड करना है तो ऐसे में आपने सी ड्राइव से जो भी पार्टीशन बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सी ड्राइव से ये दोनों पार्टीशन बनाए हुए हैं, तो ऐसे में आपको इन दोनों पार्टीशन को पहले डिलीट करना होगा, उसके बाद ही आप सी ड्राइव के अंदर इन दोनों पार्टीशन के साइज को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप किसी भी एक्स्ट्रा पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो और उसके बाद इसे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, आप किसी भी पार्टीशन को किसी भी पार्टीशन में ऐड नहीं कर सकते, यानी जिस ड्राइव से आपने पार्टीशन को क्रिएट करा है उसी पार्टीशन में आप उसे ऐड कर सकते हो, किसी दूसरे ड्राइव में ऐड नहीं कर सकते। तो ये सब करने के लिए उससे पहले आपको अपने पार्टीशन को डिलीट करना होगा, तभी आप ऐड कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब आपने सीख लिया है कि कैसे आप एक्स्ट्रा पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं और कैसे दूसरे पार्टीशन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और यदि मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जिस नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।